ये वाला पॉइंट था ना कि ट्रकर की एग्जैक्टली सैलरी क्या है, आपकी सैलरी क्या है, जो मतलब सब लोगों ने पूछा, तो मैं बताती हूँ आप लोगों को। अच्छा, किलोमीटर्स का यहाँ पर चलता है माइल्स का ना, कि माइल्स के अकॉर्डिंग ही पे मिलती है मॉन्ट्रियल की स्पेशली। तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग में जैसे सिटी में चलाने के लिए जो ड्राइवर होते हैं लाइक मी, इन स्टार्टिंग वो देते हैं हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। अभी मैं अपने काम पर जाने लगी हूँ, बट मेरा आज बिल्कुल दिल नहीं कर रहा ना अपने काम पर जाने का, बिकॉज लास्ट 3 डेज ना ऑफ था यहाँ पर। लाइक फ्राइडे का था, सैटरडे का, संडे का तो होता ही है मतलब वीकेंड पर, बट फ्राइडे का गुड फ्राइडे था। सो मुझे आज था कि आज का भी ऑफ होगा, बिकॉज कल ना ईस्टर था यहाँ पर। सो जब भी यहाँ पर कोई संडे को चीज पड़ती है, कोई इनका फेस्टिवल जिसका ऑफ होना होता है, तो ये मंडे को रख देते हैं उसका। बट मैंने पता किया तो मेरे को बताया मेरे कलीग ने कि नहीं आज काम पर आना ही है। तो मैं बहुत आज ना सैड सी हूँ, बिकॉज मुझे एक दिन और चाहिए था थोड़ा सा ना, मतलब एक दिन और रेस्ट करने को, आराम से सोने को। बट इट्स ओके, चलते हैं। आज तो कुछ खास कार्य नहीं है यहाँ पे पार्किंग में, मुझे लगता है कि आज काफी कम लोग आए हुए हैं। आज मुझे स्टार्टिंग में ही मिल गई पार्किंग, सो आई थिंक काफी कम लोग आए होंगे ना, पता नहीं सबने छुट्टी करी होगी क्या है। कितने ही ट्रक खड़े हैं ना यहाँ पे, आज सारे ही खड़े हुए हैं। आज लगता है कोई भी ज्यादातर आया नहीं है ड्राइवर काम पर। मैंने अपना ट्रक स्टार्ट कर लिया है, मेरे साइड पे एक ट्रक था बस वो ही गए हैं, बाकी सारे तो खड़े हुए हैं सामने। अभी मैं बैठी हूँ ट्रक में ही, अभी कोई काम नहीं आया मुझ पर, 1 घंटा हो चुका है, कोई कॉल नहीं है मेरे पास अभी आया। सो मैंने सोचा कि क्यों ना आज वो वाली टॉपिक को डिस्कस करें जो मैंने लास्ट टाइम एक बनाई थी ना, कि ड्राइवर की सैलरी कितनी होती है, क्या है समथिंग यहाँ पर। तो मैं सोच रही हूँ कि उस पर ही ढंग से और एक और वीडियो बनाऊँ, बिकॉज लोगों ने काफी ने मुझे पूछा था कि आपकी कितनी सैलरी एग्जैक्टली ना, और वहाँ एग्जैक्टली पड़ता कितना है। सो मैंने सोचा है कि आज मैं यही डिस्कस करूंगी कि एग्जैक्टली कितनी सैलरी है, कितने खर्चे होते हैं, क्या क्या होता है। सो ये पूरा आज वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। वेल, मुझे नहीं लगता कि आज इनके पास कुछ खास काम है, बिकॉज ईस्टर के करके ना सारी कंपनियां मोस्टली बंद हैं। सो इनके पास कोई पिकअप और डिलीवरी तो खास होगी नहीं, इसलिए इन्होंने मेरे को ये एक दिया है कि एक ट्रेलर उठाना है और उसकी स्विच करनी है। वैंकूवर की स्विच है, मतलब वैंकूवर नहीं जाना बेसिकली, यहाँ पर पास में एक कंपनी है, वहाँ पे वो ट्रेलर से स्विच करना है उनके। सो चलते हैं वहाँ पर, मैं आपको दिखाती हूँ कि वो स्विच कितनी थोड़ी सी मुश्किल लगती है उस टाइम के लिए, बिकॉज उसमें बहुत झंझट है। मेरे को ना डिस्पैचर ने बोला कि ये RL 130 करके इसको हुक कर लो और इसको देख लो पीछे से एम्प्टी है कि नहीं है। सो अभी हुक कर लेती हूँ, इसकी पिन तो अंदर चली गई है। ये कैसा ही ना एकदम अकड़ गया है बेचारा, बिकॉज पानी में था ना ये, 2-3 दिन बारिश बहुत तेज आई है। कंपनी है वहीं पर ही ड्रॉप करना है सुन। ओहो, ये इस पे जाके टच हुआ, यहाँ पे ना स्पेस बहुत कम है इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है। स्विच करने में वहां पे एम्प्टी लगाना होता है। अरे कितना ही टाइट हो रहा है ना, एम्प्टी है और ये बहुत टाइट है। मैं ना कुछ ऐसे रिकॉर्डिंग कर रही होती हूँ जब मैं चला रही होती हूँ ट्रक, और मतलब जब मेरी रिकॉर्डिंग कर रही होती हूँ, सो मैं कुछ ऐसे कर रही होती हूँ। एंड मैंने कहा कि चलो आज सामने से भी कैमरा लगा के, फ़ोन का ही सही बट लगा के दिखाऊं कि हाँ एग्जैक्टली क्या रहता है ना मेरे फेस के एक्सप्रेशंस भी, बिकॉज
काफ़ी लोगों ने बोला कि आप वैसे भी दिखाया करो ना कि आपका फेस भी और बात करते हुए सो। यस, ये मतलब अभी मैं ना निकल रही हूँ अपनी कंपनी से, जस्ट निकली हूँ और आज जैसे कि सामने बहुत ही ज़्यादा ऐसे बिल्कुल ही हो गया है ना कि एकदम ही कुछ है ही नहीं, जस्ट बिकॉज कि आज ईस्टर के करके ना काफ़ी सारी कंपनियाँ बंद हैं, इसलिए ना आज कुछ खास है नहीं सड़कों पर, कंपनियाँ सारी बंद हैं, लोग घर पर ही अपने एंजॉय कर रहे हैं। मैं अभी जा रही हूँ वो कंपनी में जहाँ पर मैं अपना दिखाना है ना कि मेरे को स्विच कर रही हूँ मैं वहाँ पर, वैनकूवर का ट्रेलर, मतलब जो ये मेरे पास पीछे ट्रेलर है ये वैनकूवर वहाँ पे ड्रॉप करना है और वैनकूवर वाला दूसरा लेकर आना है, कुछ ऐसे है। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि वहाँ पे कितनी मेहनत लगती है स्विच वाले ये पार्ट मेरे को सबसे ज़्यादा ट्रकिंग में अपने लिए सबसे ज़्यादा लगता है, बिकॉज उसमें बार बार हुक और अनहुक करना पड़ता है, 4 times करना पड़ता है ना। मैं आपको दिखाऊंगी आज, ओहो मैं गलती से गलत रूट पे आ गई, मैं हाईवे का अभी फिर से ऐसे आती हूँ जो ध्यान नहीं रहा उतना ना, फ्लो में मैं नीचे सर्विस रूट ले लिया, बल्कि मैंने उस साइड जाना था। जीरो ट्रैफिक तब होता था जब कोविड था ना, कोविड के टाइम पर बिल्कुल जीरो ट्रैफिक था। सो मेरी कुछ वीडियोस भी हैं, मतलब स्टार्टिंग की, जब मैंने जस्ट स्टार्ट ही किया था, तो आप लोग में से अगर कोई चाहे तो देख सकता है, वो क्वारंटाइन टाइम जो था ना वो होता था, कोविड का जो टाइम था, मैंने उसकी भी काफ़ी क्लिप्स बनाई हुई हैं, सो आप लोग देख सकते हैं वो, उस पर मैं लिंक शेयर करूँगी उसका, आप लोग चेक करना उस टाइम पर कैसा यहाँ का माहौल था ना एग्जैक्टली। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखा करो, और जब आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो फिर कैसे चलेगा ना, फिर मेरे को भी मोटिवेशन नहीं मिलेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब किया करें चैनल को, कमेंट्स करें ना, लाइक्स करें, शेयर भी करो जितना मर्जी कर सकते हो, उससे ना मोटिवेशन मिलता है कि हाँ और ब्लॉग्स बनाओ, अच्छे ब्लॉग्स बनाओ ना। अभी जो मैं ये टर्न लेने वाली हूँ ना लेफ्ट में, मुझे ये कंपनी लेफ्ट में और लेफ्ट में जाना है, ये टर्न ना इतना मतलब खुला टर्न नहीं है, मतलब इतना वाइड नहीं है कि आप आराम से ले सको, तो इसमें बहुत आगे तक लेकर जाना होता है ट्रक स्ट्रेट, और फिर जाके मुझे लेफ्ट में इसको टर्न करना होता है। अभी मैं लेने लगी हूँ टर्न, तो मैं दिखाती हूँ कैसे इसको कितना आगे तक ले जाना है, यहाँ से और भी आगे लेके जाते हैं यहाँ तक, ठीक है। अब इसको बिल्कुल ही टर्न कर दिया, इस तरह लेके जाना होता है इसका टर्न ना। ये कंपनी का यार्ड है, इनका ना यार्ड बहुत बड़ा यार्ड है, बहुत बड़ा। अभी मैं अंदर जाती हूँ और जो मुझे स्विच करके लेकर आना है ना ट्रेलर, जो स्विच करके लेना है वापस, उसके पेपर्स लेके आते हैं। मैं ना अभी अंदर कंपनी में गई तो उन्होंने बोला कि 1:30 के आसपास आना, मतलब आप यार्ड में आराम से खड़े हो जाओ 1:30 के आसपास, बिकॉज वो रेडी नहीं है दूसरा वाला ट्रेलर। सो अभी बहुत इनफ टाइम है, अराउंड 2 घंटे के आसपास है बिल्कुल, क्योंकि अभी हो रहे हैं 11:45 और 1:30, सो बहुत इनफ टाइम है। मैंने कहा चलो अब आराम से लगा के ट्रक इधर साइड में, आप लोगों से बात भी कर लूँगी सारी ना जो है इम्पोर्टेंट बातें। ये वाला पॉइंट था ना कि ट्रकर की एग्जैक्टली सैलरी क्या है, आपकी सैलरी क्या है, जो मतलब सब लोगों ने पूछा, तो मैं बताती हूँ आप लोगों को कि ट्रकर की सैलरी यहाँ पे डिपेंड करती है, बट इन इंडियन करेंसी 3.5 लाख रुपए के आसपास आप इजीली कमा सकते हो ट्रकिंग में। अब आप लोग उसको कैड में कर लो कि कितना होता है ना कैनेडियन डॉलर के, अराउंड 7,000 इन मंथ आप लोग कर सकते हो, डिपेंड करता है, वो भी अपने अपने पर डिपेंड करता है। जैसे कि मैं करती हूँ लोकल का काम है ना, मेरा काम क्या है कि जैसे मैंने सुबह सुबह उठा लिया अपना ट्रेलर और मैंने करनी है डिलीवरीज पिकअप, सो मेरा कोई ऐसा नहीं है कि पर लोड के अकॉर्डिंग है या कुछ है, मुझे आवरली पेड होता है। सो मेरा अब आवरली का भी आपको बता,
वेल जो अपने पे रेट होती है वो भी डिपेंड करती है, जैसे कि अलग अलग ब्रोकर होते हैं, कंपनीज होती हैं, अलग अलग पे रेट देती हैं। और मैं अगर बात करूँ सिर्फ क्यूबेक की, मॉन्ट्रियल की स्पेशली, तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग में जैसे सिटी में चलाने के लिए जो ड्राइवर होते हैं लाइक मी, इन स्टार्टिंग वो देते हैं बिगनिंग में अराउंड 23 to 24 डॉलर तक दे देते हैं, मतलब इतना तो चलता है यहाँ का पे रेट, बट ओनली इन क्यूबेक। लेकिन अगर आप बात करो ऑन्टेरियो की, तो आई थिंक वहाँ पे 21 या 22 है हार्डली, सो इतना नहीं है वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर ठीक है, पे रेट ड्राइवर्स की अच्छी है। और ये तो थी चलो लोकल में काम करने वालों की ना, कि उनको 23 या 24 डॉलर स्टार्टिंग में मिल जाता है। और आवर्स कितने आप लगा सकते हो वो डिपेंड करता है, बिकॉज कुछ कंपनियां होती हैं वो ना कम घंटे देती हैं, ज्यादा देती नहीं है आवर्स की, मतलब 10 घंटे दे देती हैं, और कुछ में जिसमें बहुत ज्यादा काम होता है वो ज्यादा भी देती हैं। वेल जैसे कि मैं तो अभी ट्रेलर का काम कर रही हूँ, बट जो कंटेनर का करते हैं ना उनको काफी आवर्स मिलते हैं, काफी ज्यादा, मतलब आप 14 घंटे तक तो कर ही सकते हो ना एक दिन में। सो मेरे एक फ्रेंड है, उनको मोर देन 14 आवर्स एटलीस्ट 12 आवर्स से ऊपर मिल जाते थे। सो यही होता है यहाँ पर कि आपको जितने आवर्स बनाने हैं, मतलब कर सकते हो उतना ही आप बना सकते हो, बट पे रेट बेसिकली 23-24 मिलती है, और ज्यादा से ज्यादा तो कितनी भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है कंपनी पे, डिपेंड करता है कि आपका अगर ब्रोकर है तो बीच में वो कैसे आपको पे कर रहा है, ये कंप्लीटली डिपेंड करता है। अलग अलग चीज, मतलब अलग अलग कंपनियों के अलग अलग पे रेट है। कोई कहते हैं कि नहीं भाई हम तो 23 से ऊपर दे ही नहीं सकते, कोई 25 भी देता है, और कोई 28 डॉलर भी पर आवर देता है। सो ये चीज यहाँ की है। और ये तो चलो मेरी बात हो गई ना कि मैं जैसे काम कर रही हूँ सिटीज में, इस चीज का है। लेकिन अगर मैं बात करूँ जो जाते हैं लोड उठाकर, है ना, जो दूर दूर के लिए जाते हैं, जैसे कि कोई BC के लिए जा रहा है, कोई विनिपेग से लगा रहे हैं ना, और टीम में जा रहे हैं स्पेशली। सो टीम में जाने वालों का यहाँ पर जो मुझे पता है, जितना यहाँ से जो जा रहे हैं, जैसे यहाँ पर कितनी कंपनियां हैं, उन्होंने जब एक बार मेरे को ऑफर किया था तो आई थिंक 60 सेंट्स आजकल चल रहा है यहाँ का पे रेट, 60 सेंट्स पर माइल्स, उसमें 2 जनों का है, मतलब आप लगा लो 30 सेंट्स पर पर्सन है, कि अगर आप जा रहे हो यहाँ से बीसी के लिए, चाहे वो रूट कितना भी लंबा है। अच्छा किलोमीटर्स का यहाँ पर चलता है माइल्स का ना, कि माइल्स के अकॉर्डिंग ही पे मिलती है, जैसे कि 30 माइल्स पर पर्सन हो गया, ठीक है। और अब आपको यहाँ से जाना है कितनी भी दूर लगा लो, जैसे कि बीसी जाना है, सो आपको पता है कि 2 जनों जाएंगे तो जल्दी लौट के आ सकते हैं, और 2 जनों का ही टीम में ही काम होता है, बिकॉज 12 घंटे एक ड्राइवर चलाता है और 12 घंटे दूसरा ड्राइवर चलाता है। तो 30 सेंट्स तो रहता है यहाँ का रेट, कि हाँ 30 सेंट्स मिलते हैं। सो वो कहीं ना आप अगर कंपैरिजन करो तो वो उतना ही पड़ता है जितना एक सिटी वाले को पड़ता है। लगता है कि समटाइम्स जो सिटी में चलाते हैं वो ज्यादा बेटर कर पाते हैं अर्निंग, और डिपेंड वो भी करता है लोड पर कि कितना उनको जो दूर लेकर जाते हैं उनको लोड में पड़ता है उनका अपना हिस्सा। बट मेरा एक फ्रेंड है जो फ्लैट बेड चलाता है, और जो मेरे को बताता रहता है कि जो मतलब फ्लैट बेड में उन लोगों का ये रहता है कि हम कितने से अच्छा लोड उठा सके ना, जिसकी अमाउंट अच्छी हो। आई थिंक उसका 25-30% उनका अपना रहता है। सपोज अगर 10,000 का लोड उठाया तो उसका जितना भी है 25-30% उनका है। इस तरह वो ज्यादा से ज्यादा अमाउंट का लोड उठाने की कोशिश करते हैं। सो बेसिकली ये 2 तरह की यहाँ पे ट्रकिंग आप कह सकते हो, एक होती है सिटी की और एक होती है जो बाहर जा रहे हैं लोड उठा रहे हैं, जो इनका ये वाला काम है जो काफी दूर दूर जाना पड़े। अच्छा एक पॉइंट ये भी है कि आप इतना अर्न करते हो तो आप बचाते कितना हो, है ना, आपके खर्चे कितने होते हैं। तो यहाँ पे खर्चे ना बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा, और लकीली आई एम इन क्यूबेक, सो मेरे थोड़े से खर्चे ना ऑन्टेरियो वालों से कम है, बिकॉज यहाँ के जो एक्सपेंसेस हैं वो उतने ज्यादा नहीं है, लिविंग एक्सपेंसेस थोड़े से कम है उधर से, बट फिर भी काफी रहते हैं। बिकॉज जो मैं अपार्टमेंट में रहती हूँ, है ना, उसका रेंट भी अराउंड अभी तो 800 के आसपास सब कुछ हो गया, जैसे कि रेंट होता है, फिर हमारा वाईफाई का बिल जाता है, ठीक है, उसके बाद फोन का जाता है बिल, और आप लगा लो कार की इंश्योरेंस, कार की EMI जाती है, जो फाइनेंस करवाई होती है कार, है ना, कार की फाइनेंस की EMI और उसका इंश्योरेंस। अच्छा क्यूबेक में एक बात है कि इंश्योरेंस थोड़ी सी सस्ती है। सपोज अगर मैं 300 दे रही हूँ तो मेरा ही एक फ्रेंड सेम कार पे, उन्हें ऑन्टेरियो में अराउंड 400-500 इजीली देना पड़ता है, बिकॉज वहाँ पे इंश्योरेंस बहुत महंगी है, और वहाँ पे मतलब ये सब है, वहाँ पर रहने का भी बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा। वहाँ पे एक नॉर्मल सा रूम 800 डॉलर्स में मिलता है, सोचें। सो मेरे को, मैं रहती तो एक छोटे से अपार्टमेंट में ही हूँ, जो कि है ओनली, उसे बोलते हैं स्टूडियो अपार्टमेंट या बैचलर अपार्टमेंट बोलते हैं, एक ही पर्सन के रहने का होता है बेसिकली वो, बट ठीक है उसका रेंट, मतलब अपना एक सेपरेट अपार्टमेंट तो है, किसी के रूम शेयरिंग नहीं है ना, लेकिन उधर रूम शेयर करने पर भी 800 डॉलर का आपको पड़ता है। यहाँ पर और भी बहुत ज्यादा खर्चे रहते हैं,
आपका ये सारे तो आपके चलो बेसिक खर्चे हर मंथ के हो ही गए ना, कि आपको रेंट भी निकालना, इंश्योरेंस भी, फलाना ढिकाना सारे। उसके बाद आपकी ग्रोसरी रहती है ना, ग्रोसरी आप कितना मतलब करते हो, वीकली ग्रोसरी आपकी कितनी रहती है। बेसिकली तो आपको बहुत बैलेंस बना के चलना पड़ता है यहाँ पर, बिकॉज आपको अपनी हर मतलब जैसे उसकी जाती है कार की, सपोज EMI जा रही है ना, वो एवरी 2 वीक्स जा सकती है या मंथली जा सकती है। सो उससे पहले आपके अकाउंट पर उतने इनफ अमाउंट होनी चाहिए है। रेंट आपका जाता है तो रेंट के लिए एग्जैक्टली वो फर्स्ट वीक ही होता है आपके पास मंथ का, हर मंथ के स्टार्टिंग का फर्स्ट वीक उसमें आपको रेंट देना ही देना पड़ता है। एंड यहाँ पर ना ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं कि आप टाइम पर पेमेंट कर रहे हैं या नहीं, अदरवाइज आपके क्रेडिट स्कोर पर इसका बहुत इफेक्ट पड़ता है। क्रेडिट स्कोर एकदम डाउन चला जाता है और फिर आपको आगे जाके कुछ भी नहीं मिलने वाला, मतलब कोई फाइनेंस नहीं करेगा अगर आपका क्रेडिट स्कोर बेकार है या खराब है ना, पुअर है तो बेसिकली। सो ये सारी चीजें हैं आज की, मतलब मैं बताना चाहती थी कि एग्जैक्टली बंदा कितना कमा सकता है, कितने उसके खर्चे हैं और कैसे अपने यहाँ पर सर्वाइवल कर सकता है। इजी नहीं है लेकिन हाँ आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा सारा कुछ। अभी ना मुझे ये वाला जो मेरे अभी है ट्रेलर मेरे पास, उसको मुझे यहीं पर ही मतलब यार्ड में पहले ड्रॉप करना होगा यहीं पर ही, और फिर इनमें से कोई डोर खुलेगी उसमें होगा वो ट्रेलर जो वैनकूवर वाला होगा, उसको फिर मेरे को वहाँ से पिक करना पड़ेगा, फिर उसको बाहर यहाँ पर आके अनहुक करना पड़ेगा, ड्रॉप करना पड़ेगा बाहर, और फिर इसे हुक करके उसकी बैक लगानी होगी। तो मतलब 4 टाइम्स करना होगा ये काम आज ना। सो मैंने ये वाला ट्रेलर है ना अपना यहाँ पे अनहुक करके रख दिया है, और अब मुझे हुक करना है ये वाला, सेम कंपनी का ट्रेलर है ना ये वाला, हुक करना है उसे वहाँ पे कर दिया है। सो अब इसको हुक करके इसको भी ऐसे ही कहीं साइड में ड्रॉप करना होगा। अभी इसको हुक करने लगी हूँ और वो रहा मेरा वाला ट्रेलर जो मैंने अनहुक करके खड़ा किया है। ये सेकंड टाइम इसे अनहुक करके यहाँ पे खड़ा किया है, अब फिर से उस वाले को हुक करने लगी हूँ। अब ये मैंने सेकंड टाइम इसे यहाँ पर बैक लगाया, मतलब फर्स्ट टाइम पर लेकर गई, सेकंड टाइम बैक लगा रही हूँ, लगा चुकी हूँ। अब इसको अनहुक करके फिर से उसको दूसरे वाले को हुक करूंगी। अभी मैंने हुक कर लिया ये वाला ट्रेलर जो बाहर निकाल के रखा था, मतलब 4 टाइम पे मैंने ये ऐसे हुक अनहुक हुक अनहुक करके ये कर लिया, और अब मैं चल रही हूँ अपनी कंपनी की तरफ। वेल अभी काम तो हो गया है ख़त्म और मैं जाने लगी हूँ अब घर। सो इस ब्लॉग की एंडिंग में यही करने लगी हूँ, और आप लोगों ने जिसने सारा ब्लॉग यहाँ तक देखा है ना, सब्सक्राइब करके जरूर जाना, लाइक करना, शेयर करना, बहुत सारे कमेंट्स करना, एंड बाय बाय फॉर नाउ, और जल्दी ही नए ब्लॉग के साथ मिलती हूँ।